वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी रिक्वेस्ट हमसे की है सुरजीत सिंह ने और वीडियो का टाइटल है टॉप 10 अपकमिंग मेगा रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, इंडियाज मेगा प्रोजेक्ट्स इंडियन रेलवे और मोहम का फेवरेट टॉपिक। वेल, वीडियो देखने से पहले मैं शार्ट आउट देना चाहती हूँ मोहित आनंद को, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें एक अच्छी सी ईमेल लिखी। थैंक यू सो मच सबका जो हमें अच्छी अच्छी ईमेल्स लिखते हैं और हमें अच्छी अच्छी सजेशंस देते हैं। वेल, अभी बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन रेलवेज हमारे देश की लाइफलाइन है और प्रतिदिन लगभग 23 मिलियन पैसेंजर्स इंडियन रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं आवागमन के लिए। हमारे देश में इंडियन रेलवेज नेटवर्क की टोटल रूट की लंबाई 67,368 किलोमीटर है तथा टोटल ट्रैक की लंबाई लगभग 121,407 किलोमीटर है। लगभग 7,321 रेलवे स्टेशन है और प्रतिदिन लगभग 20,000 से भी अधिक ट्रेनें इंडियन रेलवे द्वारा ऑपरेट की जाती है। और अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो प्रति वर्ष लगभग 1.16 बिलियन मैट्रिक टन इंडियन रेलवे द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इंडियन रेलवे वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है आफ्टर USA, चाइना एंड रशिया। लेकिन इन सब के बावजूद आजादी के 73 साल बाद भी हमारे देश के बहुत सारे क्षेत्र में इंडियन रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई है, जिनमें नॉर्दर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के क्षेत्र शामिल है। लेकिन वर्तमान में उन सभी क्षेत्रों को इंडियन रेलवे से जोड़ने का काम चल रहा है और बहुत से रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश में अंडर कंस्ट्रक्शन एंड प्रपोज्ड टॉप 10 रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो कि हमारे देश की तरक्की में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। और ध्यान रहे कि इस वीडियो में हाई स्पीड रेलवे लाइन, सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन तथा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को शामिल नहीं किया जाएगा। DFC के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पे बात करते हैं बैरावी सैरंग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। बैरावी टू सैरंग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मिजोरम स्टेट में बनाया जा रहा है और यह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में आता है और सैरंग की डिस्टेंस मिजोरम की कैपिटल आइजोल से मात्र 20 किलोमीटर नॉर्थ में है। यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट एक सिंगल लाइन ब्रॉड गेज रेलवे लाइन होगा तथा इसकी कुल लंबाई 51.38 किलोमीटर होगी। यह प्रोजेक्ट एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद मिजोरम का कैपिटल आइजोल भी इंडियन रेलवे के थ्रू रेस्ट ऑफ इंडिया से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण कि मिजोरम में टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा तथा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो पाएगी। फ्यूचर में इस रेलवे लाइन को मिजोरम के सदर्न टिप पर बसे विलेज माउंग बुछुआ तक एक्सटेंड किया जाएगा, और फर्दर इस रेलवे लाइन को म्यांमार के पोर्ट सिटी सिटवे तक एक्सटेंड करने का प्रपोजल है। और चाइना ने भी प्रपोजल दिया है कि इस रेलवे लाइन को सिटवे से एक्सटेंड करके चाइना के सिटी नानिंग तक कनेक्ट किया जाए वाया थाईलैंड, लाओस एंड वियतनाम। और इस रेलवे लाइन को ट्रांस एशियन रेलवे लाइन कहा जाएगा। लेकिन इंडिया चाइना की करंट सिचुएशन को देखने के बाद यह प्रपोजल कितना प्रैक्टिकल हो पाता है ये तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन म्यांमार के पोर्ट सिटवे तक ये रेलवे लाइन फर्दर एक्सटेंड होगी यह कन्फर्म है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की रेलवे के द्वारा पोर्ट से कनेक्टिविटी के बाद जो इकोनॉमिकल चेंजेस आएगा वो तो अभी कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन फिलहाल बैरावी से सैरंग तक का रेलवे लाइन सेक्शन 2021 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा तथा इसके निर्माण में कुल 5,021 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अब नंबर 9 पे बात करते हैं दीमापुर जुबजा रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। दीमापुर टू जुबजा वाया धनसीरी मोलवोम चेफेमा रेलवे लाइन प्रोजेक्ट नागालैंड स्टेट में बनाया जा रहा है और यह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में आता है और जुबजा की डिस्टेंस नागालैंड की कैपिटल कोहिमा से 16 किलोमीटर वेस्ट में है। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन सिंगल लाइन ब्रॉड गेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है तथा इसकी कुल लंबाई 82.5 किलोमीटर है। इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद नागालैंड का कैपिटल कोहिमा भी इंडियन रेलवे के थ्रू रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण नागालैंड में टूरिज्म के सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा तथा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो पाएगी। अगेन चाइनीज गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि इस रेलवे लाइन को फर्दर एक्सटेंड करके चाइना के देहोंग दाई एंड जिंगपो ऑटोनोमस प्रीफेक्चर, जो कि चाइना के यूनान प्रोविंस में सिचुएटेड है, से कनेक्ट किया जाए। एंड अगेन
लेकिन करेंट सिचुएशन को देखते हुए ये प्रपोजल कितना प्रैक्टिकल हो पाता है ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन फिलहाल दीमापुर से जुबजा तक रेलवे लाइन पे काम चल रहा है। इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट में टोटल 20 टनल्स और 19 मेजर ब्रिजेस का निर्माण किया जाएगा तथा दीमापुर से जुबजा तक का सेक्शन 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट के निर्माण में कुल 6986 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब नंबर 8 पे बात करते हैं बिरनी हाट शिलोंग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। बिरनी हाट टू शिलोंग रेलवे लाइन को मेघालय स्टेट में बनाया जा रहा है और यह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में आता है। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन सिंगल लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है तथा इसकी कुल लंबाई 108.4 किलोमीटर है। इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद मेघालय का कैपिटल शिलोंग इंडियन रेलवे के थ्रू रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट हो जाएगा जिससे कि मेघालय में टूरिज्म के सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा तथा आर्थिक विकास भी हो पाएगा। यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा तथा इसके निर्माण में कुल 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब नंबर 7 पे बात करते हैं जीरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। जीरीबाम टू इम्फाल वाया टुकुल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मणिपुर स्टेट में बनाया जा रहा है और यह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में आता है। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन सिंगल लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है जिसकी कुल लंबाई 111 किलोमीटर है। इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद मणिपुर का कैपिटल इम्फाल भी इंडियन रेलवे के द्वारा रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट हो जाएगा जिसके कारण कि मणिपुर स्टेट में टूरिज्म के सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा जिसके कारण आर्थिक विकास भी संभव हो पाएगा। यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट बहुत ही चैलेंजिंग है बिकॉज इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट में टोटल 52 टनल्स एंड 149 ब्रिजेस का निर्माण किया जा रहा है। इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत टनल नंबर 12 जो कि इंडिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल होगा जिसकी लेंथ 10.28 किलोमीटर है का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट में तामेंगलोंग के पास बाराक रिवर पे 555 मीटर लंबे ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है और इस ब्रिज की खास बात यह है कि यह वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉलेस्ट पियर ब्रिज होगा जिसमें इसकी एक पियर की ऊंचाई 141 मीटर होगी जो कि कुतुब मीनार के हाइट से भी दुगना ऊंचा होगा। जीरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा तथा इसके निर्माण में कुल 13,809 करोड़ रुपए खर्च होंगे और फ्यूचर में इस रेलवे लाइन को इंडियन म्यांमार बॉर्डर पर सिचुएटेड मोरे विलेज तक एक्सटेंड किया जाएगा। एंड अगेन चाइनीज गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि फर्दर इस रेलवे लाइन को एक्सटेंड करके ट्रांस एशियन रेलवे लाइन से लिंक कर दिया जाए। अब नंबर 6 पे बात करते हैं जम्मू बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। जम्मू तवी टू बारामूला वाया उधमपुर श्री माता वैष्णो देवी कटरा बनिहाल अनंतनाग और श्रीनगर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बनाया जा रहा है। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन सिंगल लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है जिसकी कुल लंबाई 356 किलोमीटर है और यह नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है और यह इंडियन रेलवे का वन ऑफ द चैलेंजिंग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट में आता है और इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का एलिवेशन 327 मीटर से 1590 मीटर तक वैरी करती है और इस रेलवे लाइन सेक्शन पर वर्तमान में इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल रेलवे टनल पीर पंजाल रेलवे टनल भी सिचुएटेड है जिसकी लेंथ 11.215 किलोमीटर है। इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का लगभग 70% पार्ट कंप्लीट हो चुका है एंड ऑपरेशनल भी हो चुका है और वर्तमान में कटरा टू बनिहाल 111 किलोमीटर लंबे रेल लाइन सेक्शन का काम चल रहा है और इसी रेलवे लाइन सेक्शन पर चेनाब नदी के ऊपर महत्वाकांक्षी चेनाब रेलवे ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और इस ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है और इस ब्रिज की एक खास बात यह है कि इस ब्रिज की चेनाब नदी से ऊंचाई 359 मीटर है जो कि आईफिल टावर से भी ऊंचा है। इस प्रकार यह वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज है। इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ इंडिया से और बेहतर हो जाएगी जिससे टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा तथा जम्मू एंड कश्मीर का आर्थिक विकास भी संभव हो पाएगा। यह कटरा टू बनिहाल रेलवे लाइन सेक्शन 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा तथा इसके निर्माण में कुल 27,949 करोड़ रुपए खर्च होंगे और फ्यूचर में इस रेलवे लाइन को कुपवाड़ा तक एक्सटेंड किया जाएगा और क्योंकि यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है तो इसका अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। अब नंबर 5 पे बात करते हैं पासीघाट रुपई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। पासीघाट टू रुपई वाया तेजू परशुरामपुर कुंड रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को अरुणाचल प्रदेश स्टेट में बनाया जाएगा एंड रुपई असम स्टेट में लोकेटेड है और यह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में आता है। यह एक प्रपोज्ड सिंगल लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है जो कि इंडो चाइना एंड इंडो म्यांमार बॉर्डर के नजदीक बनाया जाएगा तो इसका अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 227 किलोमीटर है और इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर बहुत जल्द ही काम स्टार्ट होगा। यह एक ऑल वेदर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट होगा जिसके कारण कि अरुणाचल प्रदेश में टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा जिससे अरुणाचल प्रदेश का आर्थिक विकास भी संभव हो पाएगा। यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इस पे होने वाले खर्चे की जानकारी पॉइंट नंबर 3 में दी गई है। अब नंबर 4 पे बात करते हैं नॉर्थ लखीमपुर सिला पत्थर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। नॉर्थ लखीमपुर टू सिला पत्थर
वाया बामे आलोंग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को असम और अरुणाचल प्रदेश स्टेट में बनाया जाएगा और यह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में आता है। यह एक प्रपोज्ड सिंगल लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है जिसकी कुल लंबाई 247.85 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 248 किलोमीटर। यह एक ऑल वेदर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट होगा जिसके कारण के अरुणाचल प्रदेश के इंटीरियर इलाके में इंडियन रेलवे की कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। एंड क्योंकि यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट इंडो चाइना बॉर्डर के नजदीक है तो इसका अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के द्वारा मिलिट्री ट्रूप्स एंड टैंक्स की मूवमेंट इंडो चाइना बॉर्डर के नजदीक और भी आसानी से हो पाएगी। यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इस पर होने वाले खर्चे को पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है। अब नंबर 3 पे बात करते हैं भालुकपोंग तवांग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। भालुकपोंग टू तवांग वाया टेंगा दिरांग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को असम और अरुणाचल प्रदेश स्टेट में बनाया जाएगा और यह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में आता है। यह एक प्रपोज्ड सिंगल लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है जिसकी कुल लंबाई 378 किलोमीटर है। यह एक स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है लेकिन इसके कारण टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। यह एक ऑल वेदर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट होगा और अरुणाचल प्रदेश की सिटी तवांग इंडियन रेलवे के थ्रू रेस्ट ऑफ इंडिया से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की हाईएस्ट एलिवेशन 3048 मीटर होगी। इस प्रकार यह वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट एलिवेशन रेलवे लाइन प्रोजेक्ट होगा। यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट इंडो चाइना बॉर्डर के नजदीक बनाया जा रहा है तो फ्यूचर में किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में मिलिट्री ट्रूप्स और टैंक्स की मूवमेंट भी काफी आसानी से हो पाएगी। यह प्रोजेक्ट 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा तथा पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 5 ये तीनों ईस्टर्न फ्रंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इनके निर्माण में कुल 70,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब नंबर 2 पे बात करते हैं चार धाम रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। चार धाम रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को उत्तराखंड स्टेट में बनाया जा रहा है और यह नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है और इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत दो वाई शेप का रेलवे रूट बनाया जाएगा। पहला रूट दोई वाला उत्तरकाशी मनेरी गंगोत्री और उत्तरकाशी से पलार यमुनोत्री होगा। स्क्रीन पर आप रेड घेरे में येलो कलर की रूट को देख सकते हैं और इसका सेकेंड रूट ऋषिकेश से जोशीमठ वाया देवप्रयाग रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग साईकोट तथा साईकोट से सोनप्रयाग तक है। जोशीमठ बद्रीनाथ के पास स्थित है और सोनप्रयाग केदारनाथ के पास स्थित है। इस प्रकार इस चार धाम रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 327 किलोमीटर होगी तथा यह प्रोजेक्ट यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ को इंडियन रेलवे से रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट कर देगा और इस प्रकार उत्तराखंड स्टेट में पिलग्रिम टूरिज्म के सेक्टर में काफी ग्रोथ आएगा तथा लोग चार धामों की यात्रा काफी आसानी से कर पाएंगे। यह एक ऑल वेदर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट होगा और यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन सिंगल लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है और इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत टोटल 61 टनल्स एंड 59 ब्रिजेस का निर्माण किया जाएगा। और इस चार धाम रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि 327 किलोमीटर लेंथ की रूट्स में से 279 किलोमीटर लेंथ की रूट्स टनल्स के अंदर होगी। वर्तमान में अभी ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग वाया देवप्रयाग श्रीनगर रुद्रप्रयाग 125 किलोमीटर रेलवे लाइन सेक्शन पे काम चल रहा है और इस 125 किलोमीटर रेलवे लाइन सेक्शन का 85% सेक्शन यानी कि 105 किलोमीटर टनल के अंदर से होकर गुजरेगा और इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर 15.1 किलोमीटर की एक सिंगल लंबी टनल बनाई जा रही है। यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा तथा ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग रेलवे लाइन सेक्शन को बनाने में कुल 16,216 करोड़ रुपए खर्च होंगे एवं चार धाम रेलवे लाइन प्रोजेक्ट 2030 तक पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट के निर्माण में कुल 43,292 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब नंबर 1 पे बात करते हैं बिलासपुर लेह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। बिलासपुर टू लेह वाया मनाली कुल्लू केलोंग सारचू टांगलांगला उपसी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में बनाया जाएगा। यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है तथा यह एक प्रपोज्ड सिंगल लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है तथा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऑल वेदर रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई 498 किलोमीटर है तथा यह विश्व का सबसे हाईएस्ट रेलवे लाइन प्रोजेक्ट होगा और इसकी हाईएस्ट एलिवेशन 5,359 मीटर होगी जो कि टांगलांगला के पास होगी और यह वर्तमान की सबसे ऊंची रेलवे लाइन किंघाई तिब्बत रेलवे लाइन को भी पीछे छोड़ देगा जो कि चाइना में है। इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद लद्दाख यूनियन टेरिटरी में टूरिज्म के सेक्टर में और बूस्ट आएगा तथा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो पाएगी और क्योंकि यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है तो इसका अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी होगा और इंडो चाइना बॉर्डर पर मिलिट्री ट्रूप्स और टैंक्स की मूवमेंट भी काफी आसानी से हो पाएगी। इस प्रकार ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर्यटन के साथ साथ सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भी काफी जरूरी है। वर्तमान में इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का सर्वे और फिजिबिलिटी रिपोर्ट डन हो चुका है और प्लान भी अप्रूव्ड हो चुका है और बहुत जल्द लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट 2023 है तथा इसके निर्माण में कुल 83,360 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद हिमाचल प्रदेश और लद्दाख यूनियन टेरिटरी इंडियन रेलवे नेटवर्क द्वारा रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये तो था हमारे देश में टॉप 10 अंडर कंस्ट्रक्शन एंड प्रपोज्ड रेलवे प्रोजेक्ट्स की जानकारी। इन सभी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे देश में रेलवे कनेक्टिविटी निश्चित तौर पे और भी बेटर हो जाएगी तथा इससे टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि देश का आर्थिक विकास भी संभव हो पाएगा। और इसके साथ ही ये सभी रेलवे प्रोजेक्ट हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार, जय हिंद। अगर बात करें आज की वीडियो की, तो 1947 से लेकर अब तक जो है इंडियन रेलवे ने जिस तरह बूस्ट किया है, अपने आप को ग्रो किया है, वो जो है जितनी तारीफ उसकी करें ना कम है, क्योंकि इंडियन रेलवे को अब देखें बहुत ज्यादा जो है वहां पे रेल्स हैं डिफरेंट टाइप्स की, ये नहीं सिर्फ एक ही, यानी वहां पे आपको टॉय ट्रेन भी मिलेगी, वहां पे आपको जो है नैरो गेज ट्रेन भी मिलेगी, वहां पे आपको ब्रॉड गेज ट्रेन भी मिलेगी, और इवन की अब आप देखें तो इंडिया में आपको सेमी बुलेट ट्रेन जो है वो भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और मैं ये बोलूंगा कि जिस तरीके से इंडिया ने इस सेक्टर में इतना ज्यादा डेवलपमेंट की है, लाइक चाहे हम देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिहाज से इतना ज्यादा मतलब इसको यूज किया जाता है, लोग कितना ज्यादा मतलब उसको इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल लोकल, इस शहर के अंदर आपको इतनी ज्यादा सहूलत दे दी गई है। लेकिन इस वीडियो में जैसे दिखाया गया कि अब उन साइड्स को कनेक्ट किया जा रहा है जो कि किसी ना किसी वजह से वहां पर कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू वो सारे साइड जोन थी वो कनेक्ट होंगी और वहां पर डेवलपमेंट के चांसेस भी ज्यादा होंगे, प्लस टूरिज्म और जितने भी लोग यहां से वहां जाते हैं थ्रू मतलब डिफरेंट वेज, उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स ही खत्म। बिल्कुल, अगर बात करें जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वहां पे देखने में आता है कि रेलवे का भी एक्सपेंशन इतना ज्यादा नहीं है जो कि बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज्यादा है। खासतौर पर अगर नॉर्थ साउथ की बात करें तो काफी ज्यादा जो एरियाज है वो रेलवे से कनेक्ट है। तो ये इंडियन रेलवे का जो है बहुत अच्छा जो है एक इनिशिएटिव है कि वो जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है उन्हें भी जो है कनेक्ट कर रही है, और उसके अलावा वहां पे इंटरनेशनल ट्रैक्स भी बना रही लगी है जो कि दूसरे जैसे खासतौर पर तो म्यांमार को ही कनेक्ट करेंगी, और अगर आगे मजीद एक्सपेंड होता है तो वो चाइना तक जाएगा। और मुझे एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, अभी तो खैर जैसे वीडियो में भी बताया गया कि इंडिया और चाइना के क्लैशेस चल रहे हैं तो उस वजह से भी शायद में भी डिले हो जाए, लेकिन अगर एक रूट कनेक्ट हो जाता है थाईलैंड वाला तो आप ये देखिए कि इंडिया से डायरेक्ट थाईलैंड जो है वो आपको रेलवे एक्सेस मिल जाएगी, जो लोग पहले प्लेन पे जाते थे वो बाय ट्रेन भी जा सकेंगे और ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे। वाकई में अगर आपके इस तरीके से बॉर्डर जो कनेक्ट होते हैं जिन कंट्रीज के, वहां पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स होने ही चाहिए ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा सहूलतें हों, आप सिर्फ बाय प्लेन बाय ट्रेन भी जा सके। बट ये कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी हम लोगों ने देखा, आई मीन जो फर्स्ट वाला था वो 80,000 समथिंग करोड़ का प्रोजेक्ट था, बट ये कि कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से जो पिलग्रिम्स हैं जो चार धाम का था उन लोगों को बहुत ज्यादा सहूलत मिल जाएगी। वैसे मुझे जितने भी हम लोगों ने देखे सारे बहुत खूबसूरत बन रहे हैं अपने आप में, सारे डेफिनेटली एक मैं बोलूंगी क्या बोलेंगे, नहीं मेस्मराइजिंग नहीं, मतलब एक अपने आप में वैल्यू, हाँ वैल्यू सबकी है। बट मैं बोलूंगी कि वो जो आर्च वाला बन रहा है ना जिसकी हाइट आईफिल टावर से भी ज्यादा है, मतलब वो चिनाब ब्रिज, वो चिनाब ब्रिज में, हाँ, वो कश्मीर में बन कश्मीर रहा है। अच्छा वो मैंने वो काफी देर का बन रहा है क्योंकि मैंने बड़ी देर पहले एक मुझे सजेशन में यूट्यूब पे वीडियो आ रही थी तो तब मैंने देखा था। तो बेसिकली मुझे लगता है सिर्फ उसी की वजह से जो है ना कश्मीर में जो कनेक्शन है वो भी नहीं है, वरना कश्मीर की दूसरी साइड पे मैंने देखा कि रेल की है सुविधा है बिल्कुल वहां पे चलती है, लेकिन एक साइड से आके वो डिस्कनेक्ट है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे ये चीज डिस्कस की थी वीडियो में, तो मे बी वो इसी वजह से डिस्कनेक्ट है। जब ये ब्रिज जो है 2021 में जो है जब भी कंप्लीट होगा 2021 में तो फिर जो है कनेक्ट हो जाएगा प्रॉपर। बिल्कुल, तो जितने भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट देखे हैं मोस्टली जो वो कोई 2021 में हो रहा है, 2022 में, और जो लास्ट वाला 2030 तक जिनसे वो कंप्लीट हो रहा है। और वैसे ये है कि ये जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो टूरिज्म नो डाउट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जो लोग बाय रोड जाने से डरते हैं खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, क्योंकि पहाड़ों से काफी लोगों को डर लगता है, तो वो लोग जो है बाय ट्रेन क्योंकि एक सेफ जो है समझा जाता है, इससे खराब होती है तबीयत तो खराब होती है, लेकिन कई लोग होते हैं उनकी तबीयत खराब नहीं होती लेकिन उन पहाड़ों से डर लगता है, यानी रोड जो जैसे उसके होते हैं चढ़ाइयों से। तो ये है कि ट्रेन जरा होंगे ना तो लोग जो है सेफ कंसीडर्ड उसे करते हैं, तो काफी ज्यादा जो लोग जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते वो इसकी वजह से जा पाएंगे। और एक और चीज यहाँ पे होगी कि जब वहां पे फ्रेट ट्रेन के अलावा जो है दूसरी ट्रेन भी चले
चलेंगी, पैसेंजर ट्रेन चलेंगी, तो जो लोग जो ट्रेवल करते हैं पहले उनके लिए जो है एक इकोनॉमिकल जो है वो बजट में वो अपना जो है स्टार्ट वर्क करेंगे। और उसके अलावा जैसे स्टार्टिंग वीडियो होती है, इन्होंने एक फ्रेट ट्रेन देखी जो कि डबल थी, तो मैंने वो बहुत पहले जो है मैंने उसकी वीडियो जो है यूट्यूब पे देखी थी। रेलवे में बहुत इंटरेस्ट है और अभी बल्कि ना ये वीडियो देखने के बाद मुझे ये बोल रहा था कि अगर मैं इंडिया में होता ना तो मैं ना फिर जो व्लॉग्स है ना वो रेलवे पे बनाता बहुत ज्यादा मैं वहां पर। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज मौजूद कि इससे जो आपकी खुद की कंट्री में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी कि लोगों को जॉब्स भी मिलेंगे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। हाँ, तो मतलब ये देखो कि अगर अभी लगाया जा रहा है उससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है और आने वाले टाइम में भी लोगों को बहुत फायदा होगा, गवर्नमेंट को भी होगा। और जो टूरिज्म सेक्टर है अभी अगर हम इंडिया में देखें तो वैसे भी इंडिया में टूरिज्म जो जितना भी मतलब वो होता है काफी ज्यादा लोग आते हैं हर साल इंडिया में, तो इससे क्या है कि इस साइड पर भी लोगों का रुझान ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल सही कह रही है। वेल, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी और आपका क्या सोचना है इसके बारे में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कौन कौन इन स्टेट से बिलोंग करता है ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियोस करें लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन गुड बाय।